Hey guys, what's up? So welcome to the study hub for the competitive exams. So here I will discuss about the Indian Engineering Services 2019 notification released. तो यहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसको कहा जाता था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ESE 2019 की नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो चुकी है. सो लास्ट डे से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी. यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो सेकंड मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्या क्या बताने हैं. यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके लिए, फ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, ये सारा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जैसे कि आप वेबसाइट ओपन करेंगे upsc.government.in, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दिखाई देगी यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम की 2019 की. दिस वन इज़ द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ द 2019. तो यहाँ पे 26 को रिलीज़ हुई है, कल ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ हुई है. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द इंजीनियरिंग फील्ड एनीवन. तो यहाँ पे चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मेनली इसको, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनदर वन. तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपके पास यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, उसी में यहाँ पे कई चीज़ें इस बार न्यू इंटर कर दी गई हैं. जैसे कि हमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए हॉस्पिटल्स बता दिए गए हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आप चेक करवा सकते हो, और आपको डिसेबिलिटी किस कई लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. सो लास्ट डे से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और लास्ट डे से आप अप्लाई कर सकते हो. लास्ट डेट टू अप्लाई 22nd अक्टूबर. तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. जैसा कि मैंने बताया सिविल इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. एंड दिस ईयर 581 पोस्ट, तो यहाँ पे 581 पोस्ट हैं इस बार यहाँ पे, तो उसी के बारे में यहाँ पे जैसे कि 581 पोस्ट टोटल यहाँ पे रिलीज हुई हैं. नेक्स्ट यहाँ पे और आप देख सकते हो कि ये कौन कौन से ग्रेड ए में यहाँ पे क्या क्या पोस्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या क्या पोस्ट हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारा नोटिफिकेशन में बता दिया गया है. मेन मेन पॉइंट्स ही यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा. दीज आर द प्री एग्जाम सेंटर्स एंड द मेन्स एग्जाम सेंटर, तो जो भी आपको सूट करता है नियर अराउंड वो आप फिल कर सकते हो यहाँ पे. जैसा कि मैंने एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे बताया तो 21 ईयर एज होना नेसेसरी है हमारी, एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे हमारे पास 30 ईयर है फॉर जनरल कैंडिडेट. तो अगर हम अनदर कैटेगरीज़ की बात करें, रिजर्व कैटेगरीज़ की, तो वहाँ पे हर रिजर्व कैटेगरी को कोई ना कोई रिलैक्सेशन दी गई है, तो वो भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस किस को क्या क्या रिलैक्सेशन है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. दीज आर द मेन पॉइंट्स. नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हमारे पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए. तो यहाँ पे हर किसी के लिए मिनिमम एजुकेशन बताई गई है कि डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन ए और बी के लिए हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, जैसे कि यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यहाँ पे बताया गया है. आफ्टर डिप्लोमा अगर डिग्री की हो तब भी चलेगा. अगर यहाँ पे जैसे पास्ट ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन हो इंस्टीट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से हो तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो एमएससी के लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट बनती हैं, यहाँ पे एमएससी डिग्री जैसे कि वायरलेस टेली कम्युनिकेशन में एमएससी की हो, मास्टर डिग्री इन द साइंस इन फिजिक्स एंड द रेडियो कम्युनिकेशन, तब भी आप ESE को अप्लाई कर सकते हैं. मतलब कोई प्रोफेशनल इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको फ़ी क्या पे करनी है, जनरल पर्सन और जो पर्सन रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है उसको यहाँ पे 200 फीस पे करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे कैसे कैसे आप फीस पे कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस आप यहाँ पे कर सकते हैं, कैश मोड में भी पे कर सकते हैं. कैश मोड ऑप्शन विल बी डीएक्टिवेटेड एट 21 तारीख को, जो कैश के लिए पे बाई कैश करेंगे आप वो ऑप्शन आपके पास कैंसिल हो जाएगा 21 से. वैसे आप अप्लाई आगे भी कर सकते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे तक भी कर सकते हैं. तो कैसे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे, जैसा कि upsc.government.in है यहाँ पे सारी आपको डिटेल मिल जाती है, पर आपको अप्लाई करने के लिए मेन वेबसाइट यहाँ पे कौन सी देखनी है, यहाँ पे यूपीएससी ऑनलाइन यहाँ पे आप देख सकते हो www.upsconline.nic.in, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. इस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, upsc.government.in से आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं मिलेगा.
तो सेंटर्स केयरफुली फिलअप करें, कौन कौन सा सेंटर आपको फिलअप करना है उसी के बारे में। यहाँ पे जो लास्ट डेट है विच इज़ द 22nd अक्टूबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिसेबल हो जाएगा 22 को। तो यहाँ पे वन थिंग एक और भी चेंज की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया डिसेबिलिटी के लिए कुछ मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह डिसाइड कर दिए गए हैं, ये आप नोटिफिकेशन के नीचे देख सकते हैं। क्या क्या सिलेबस आएगा ये भी नोटिफिकेशन के नीचे सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये डिटेल्स हैं जोनल रेलवे हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं कुछ, यहाँ पे इनको सारे को मेडिकल, यहाँ पे अगर आप अनफिट पाए जाते हो और आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरीज में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट इस बार रिजर्व हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे इस बार डिस्क्राइब कर दी गई है यहाँ पे, कि क्या क्या लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, मस्कुलर डायरेप्सी हो, हार्ड ऑफ द हेयरिंग हो, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो आपके पास, जैसे यहाँ पे इसमें क्रॉनिकल न्यूरोलॉजी का भी बता दिया गया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो सिकल सेल डिसीज, यहाँ पे सारे 21 के 21 यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए गए हैं इस बार। तो ये चेंजिंग 2019 में मेन देखने को मिली है। तो कितने परसेंट डिसेबल हैं तो ये सारा आपको यहाँ पे, आप इन हॉस्पिटल में डायरेक्टली चले जाएं तो ये हॉस्पिटल आपको डायरेक्टली बेनिफिट दे देगा, तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाएगा। तो कई लोगों के दिमाग में होगा कि क्या क्या है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो ये आप पता कर सकते हो। अगर इनमें से आप किसी भी प्रॉब्लम में लाई करते हो तो डेफिनेटली ये जाके चेक करवाओ ताकि आपको बेनिफिट, जो भी पर्सन लाई करता हो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिले। और भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तो अगर जैसा कि मैंने बताया प्री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पहला प्री एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू, देर आर मेनली थ्री स्टेजेस। तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा फर्स्ट, विच इज़ 2 आवर्स 200 मार्क्स का होगा, और सेकेंड पेपर होगा हर का अपने फील्ड का होगा विच इज़ 300 मार्क्स का होगा। तो इसके अलावा जो बंदा यहाँ पे क्लियर करेगा उसका मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के एग्ज़ाम में दो पेपर होंगे 300 मार्क्स के 600 के, सॉरी। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेज थ्री यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, तो यहाँ पे ये सार इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 200 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि जो बंदे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन मिनिमम विल बी अलाउड इन द विल आल्सो बी अलाउड, जो बंदे यहाँ पे 40% डिसेबल होंगे उनको भी यहाँ पे अलो किया जाएगा मतलब एग्जाम में बैठने के लिए, और उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। इवन उनके लिए यहाँ पे 23 के अराउंड पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है, 500 समथिंग पोस्ट इस बार रिलीज हुई है यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल वाइज सिलेबस दिया गया है अलग अलग के लिए यहाँ पे, जनरल स्टडीज के लिए कैसे कैसे क्या क्या पेपर होगा, मेंस का पेपर कैसे कैसे होगा। मेनली यहाँ पे एक बात ये शेयर करनी है कि इस बार आप अगर फॉर्म भर देते हो और उसके बाद कैंसिल भी कर देते हो अगर अपना फॉर्म, तो कैंसिल भी कर सकते हो इसको, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक यहाँ पे डेट दी गई है इस बार। तो अगर आप अपना फॉर्म बाद में कैंसिल कर देते हो तब भी यहाँ पे, पहले भी ऐसे ही होता था कि यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू विदड्रॉ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जैसा कि अभी अगर आपने आप प्रेपरेशन कर रहे हो 22 तारीख तक आप फिलअप कर देते हो फॉर्म, बाद में आपका प्लान नहीं होता है या किसी हेल्थ के कारण आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, जो कैंडिडेट्स नहीं देना चाहते, तो विड्रॉल फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे ये तो साफ साफ नहीं दिया गया कि आपको रिटर्न हो जाएंगे पैसे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया यहाँ पे, पर आपका फॉर्म है देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर विदड्राइंग ऑफ द इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस, को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। बाकी विड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे विड्रॉल फैसिलिटी है वो 29 यहाँ पे अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक अगर आप कैंसिल करना चाहते हो फॉर्म को तो कर सकते हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे, और यहाँ पे जैसा कि बताया गया है यूपीएससी हैज़ द नो प्रोविज़न टू रिफंड एनी फी अमाउंट पे बाय द कैंडिडेट, सो इन केस द सक्सेसफुल विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड। तो ये तो एक यहाँ पे ऑप्शन बता दिया गया है कि आप कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल करो, अगर आप बैठो भी ना तब भी आपका अटेम्प्ट यहाँ पे काउंट नहीं होता था, पर दिस इज़ द वे उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे सारे आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि इंस्ट्रक्शन क्या है पेपर्स के लिए, ये आप देख सकते हो, जैसे कि स्टीम टेबल वहाँ पे प्रोवाइड होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं कि स्टीम टेबल यहाँ पे प्रोवाइड होगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होगी कन्वेंशनल टाइप पेपर्स के लिए, ये सारा कुछ बताया गया है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन होगी ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे।
सारी डिटेल्स तो मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। तो यही चीज़ें मेरे को मेन शेयर करनी थी। वन थिंग इज़ द डिसेबिलिटी की सारी डिटेल्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं। सेकंड वन आपको मेन पॉइंट की कैंसिल कर सकते हो इस बार फॉर्म, वो तो जिसको नहीं देना हो उसका वैसे भी कैंसिल ही रहता है, अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। सो यहाँ पे यही चीज़ें चेंज हुई हैं। पर ये और मेन चीज़ यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए, जैसे कि 21 कैटेगरीज डिवाइन कर दी गई हैं, तो जो पर्सन भी इस कैटेगरी में बिलोंग करता हो दे कैन गेट द बेनिफिट। अगर किसी को क्लियरेंस ना हो कि कैसे कैसे बेनिफिट मिलना है, तो उसी सभी में सिलेबस जो भी बंदे प्लेयर प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको आई होप सभी को पता ही होगा, बिकॉज ESE इज नॉट ए इजी एग्जाम। तो जो भी कोई प्रिपेयर करेगा वो इजीली ही प्रिपेयर करेगा, इजीली नहीं प्रिपेयर हो पाएगा किसी से भी। सो एफर्ट तो उसने किया ही होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे कैसे कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे डिसेबिलिटीज का यहाँ पे इस बार चेंजिंग की गई है। सिकल सेल डिसीज, थैमालेजिया, जैसे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और आपको यहाँ पे इन हॉस्पिटल्स में चले जाना चाहिए डायरेक्टली, तो आपको बता देंगे वो कि आप इसमें लाइक करते हो या नहीं करते हो। दिस वन इज़ द गुड ऑप्शन क्रिएटेड बाय द UPSC। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो यू कैन कमेंट विदाउट एनी हेजिटेशन बिलो द वीडियो, आई विल रिप्लाई वेन एवर आई विल सी। सो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे, जैसे कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा और अप्लाई नाउ का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी ओपन करके पढ़ सकते हैं। सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही। सो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।